हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, मैं अब आपके लिए लेकर आया हूँ कि नेक्स्ट वीक को हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है और मार्केट में किस तरीके से काम हमें करके चलना है। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो एक वीडियो है, वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर मैंने जैसा आपको बताया था कि जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज में, जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होती है, तब तक हम आपके लिए कोई वीडियोस नहीं बनाएंगे। अब एक रेंज हम देख रहे हैं कि एक ब्रेक होते हुए देखने को हमें शायद मिल सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की आज वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको 5 स्टॉक्स देने वाले हैं जो आप सोमवार को यानी कि मंडे को 25 नवंबर को ट्रेड करके चल सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। कल हमने यानी कि फ्राइडे के लिए हमने आपको कोई भी स्टॉक्स बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी थी। आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप हमारे जुड़े हुए हैं, जो कि अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत इंसाइटफुल चीज़ें मिलेंगी और नॉलेजेबल चीज़ें प्रोवाइड होंगी। तो अगर आप वहाँ पर जुड़े थे तो वहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि गाइज, आपको मैंने थर्सडे को कह दिया था कि थर्सडे को एक्सपायरी में कोई ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली थी, सो हम एक बिग अप मूव या डाउन मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो उसके लिए मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और कोई भी स्टॉक्स पर आपको ज़्यादातर रिकमेंडेशन नहीं दी थी। अब हम आते हैं मंडे के लिए। तो गाइज़, मैं अभी यही चाहता था कि हम 2-3 दिन बस वेट करें और मार्केट को देखें कि किस तरीके से वो सेटल हो सकती है और वो एक कन्फर्मेशन दे दे डाउनसाइड या अपसाइड की, तब हम जाके अपने बेस्ट ट्रेड्स को चुनें। क्योंकि गाइज, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ थी, जितनी भी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ थी, वो सब आ चुकी है। अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट से लेके, वो सारी डेटा आ चुकी है। हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, वो आ चुकी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंस्ट्रक्शन की, A to Z स्ट्रक्चर्स की बात करें, सेक्टर्स की, सारे सेक्टर्स की न्यूज़ आ चुकी है हम जिस तरीके से देख रहे हैं। सो गाइस, और मार्केट अपने पीक पे है, तो अब हमें देखना है कि सारी न्यूज़ को वो निगलेक्ट कर चुका है, सारी न्यूज़ को पचा चुका है, तो अब किस तरीके से मार्केट काम करेगा। क्या मार्केट इसके बाद भी ऊपर जाना चाहेगा या अब ये अपनी डाउनसाइड की तरफ बढ़ेगा। तो इस वजह से हम आपसे चाहते हैं कि आप कुछ टाइम, 2-3 दिन या कम से कम इस हफ्ता, तो मैं आपसे कहूँगा कि ट्रेड बहुत कॉशियसली लीजिए, बहुत ध्यान से लीजिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ चुके हैं या बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, तो अब उन पर कुछ भी हलचल हो सकती है, तो हम चार्ट्स के एनालिसिस में फंस सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत कॉशियसली ही ट्रेड करिएगा, या फिर अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैं आपसे सलाह ये दूंगा कि लेस क्वांटिटी पे जाके ट्रेड करिएगा, कि आपको ज़्यादा लॉस नहीं झेलना पड़े और प्रॉफिट भी आप मिनिमम लेकर निकलिए। तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले बढ़ते हैं 5 स्टॉक्स की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाइस, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रेड डीलर्स। अगर आप ट्रेड स्पेस बार डीलर्स डालेंगे टेलीग्राम चैनल पे सर्च पे जाके, सो गाइस वहाँ पर आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। 660 समथिंग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे, आपको पता चल जाएगा और आप ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक ऑफ़र लेकर आने वाला हूँ। ऑफ़र इन द सेंस कि हम हमेशा हर महीने अपने स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर हम अपने सीट्स बुक करवाते हैं, जिसपे हम आप लोगों को पेड कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं। सो अब सीट स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 25 तारीख से हम स्टार्ट करते हैं हर महीने। सो जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है पेड सर्विस लेने के लिए, जो भी हम कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हमने आपको दिवाली ऑफर में भी दिया था, दिवाली बम्पर ऑफर में, वहाँ पर बहुत से लोग ज्वाइन हुए थे। सो गाइज, उसी के अकॉर्डिंग अब हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि शायद एक महीना हो चुका है। सो 25 तारीख से हम आपको आज ही प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि हम उस पर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, कि पूरी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी। पर्टिकुलरली हम बात करके चले तो 20 सीट होती है हमारे हर महीने के अंदर। हम 20 क्लाइंट्स को लेते हैं हर महीने, और उसमें से कुछ क्लाइंट्स यानी कि 5 या 10 क्लाइंट्स के लिए हम एक स्पेशल डिस्काउंट रखते हैं जो सबसे फर्स्ट मेंबर होते हैं, और उसके बाद सेम प्रोसीजर चलता है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं वो गाइज मुझे डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे लिखकर बता सकते हैं, या फिर आप मेरे को मेल लिखकर बात कर सकते हैं। मेल का आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे मिल जाएगा, और फ़ोन नंबर भी मेरा नीचे है जो वॉकी व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी डायरेक्टली कर सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जाके आप मेरे को क्वेरीज़ के लिए कोई भी बात पूछ सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है PVR। सेल करने की सलाह दी जाएगी। 1786 है, 1803 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1779 1764 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं।
कई स्ट्रेट डीलर का अगर आपको नाम देखना है तो आप यहाँ नाम पढ़ सकते हैं, TRADEDEALERS, ट्रेड डीलर्स। तो ये आप जाके सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक आते हैं गाइस बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स पे भी शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। ये पांच स्टॉक्स हम आपको बता दें, उसके बाद चार्ट्स पे लेकर चलेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे कि पर्टिकुलर क्या चीज़ें बन रही है कि हमने आपको शॉर्ट या बाय की सलाह इस पर प्रोवाइड कराई है। 477 करंट मार्केट प्राइस, 483 का स्टॉप लॉस, 473 469 इसका टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं बर्जर पेंट्स के अंदर। उज्जीवन, उज्जीवन पे हम आपको बाय की सलाह दे रहे हैं गाइस। उज्जीवन अभी 305 का CMP है, सो आपको बाय, आपको शॉर्ट की सलाह दे रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड पे। तो शॉर्ट कब करके चलना है, जब 305 से 310 के आसपास आपको मिले। ये 5 रुपये की रेंज है, ये 5 रुपये की रेंज में आपको कभी भी मिलता है उज्जीवन, तो अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करिए। 315 का क्लोजिंग बेसिस के अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 296 291 तक के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि ये थर्सडे से या फ्राइडे से पहले पहले मुझे लगता है कि दिखा सकता है उज्जीवन नीचे की तरफ। पिडिलाइट बाय करने की सलाह दी जाएगी। 1298 इसका CMP है, 1287 से 1300 ये 13 रुपये की जो रेंज है, इस रेंज के बीच में आप इसको बाय करके चल सकते हैं। रेंज आपको बता ही रखिए कि कल अगर आपको इस रेंज में मिलता है तो बाय करिए। 1309 1321 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्टिकुलरली पिडिलाइट के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 1283 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लास्ट आते हैं हम गाइस कोटक बैंक पे। कोटक बैंक पे अगर मैं बात करूँ तो एक ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, तो मैं आपको चार्ट्स पे लेकर जाके दिखाऊंगा कि क्यों पर्टिकुलर रिस्की ट्रेड है, पर मैं आपको बाय की सलाह दे रहा हूँ। 1569 इसका CMP है, 1573 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, बाय करिए। 1580 1596 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि 1610 तक भी ये जा सकता है। CMP स्टॉप लॉस आपको इसका 1558 मेंटेन करके रखना है, और जो कि सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए है, पर जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं गाइस उनके लिए मैं स्टॉप लॉस थोड़े डीप कर दूंगा, जो कि 1551 का होगा मेरे हिसाब से। सो अगर हम पांच स्टॉक्स की बात कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से क्या पैटर्न्स डेवलप हुए हैं और क्या हम आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए गाइस एक, हम देख सकते हैं जैसे कि बर्जर पेंट्स लेकर आए हैं। तो बर्जर पेंट्स पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने बना रखा है, बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और बियरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का इसने पर्टिकुलरली यहाँ पर ब्रेकडाउन दे चुका है। कल के ट्रेडिंग सेशन पे इसने बियरिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दे दिया है। सो अब हमारे हिसाब से ये आप जो बॉक्स देख सकते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ, ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो आपका टारगेट का काम करेगा। टारगेट हमने कैसे फाइंड करा, जो ये राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर का अगर हम बॉटम ले और टॉप ले तो जो प्राइस का डिफरेंस निकल रहा है एग्जैक्ट, वो ये जब ब्रेक करता है तो वहाँ तक जाने की इसकी कैपेसिटी है। तो यानी कि इस लेवल से ये 16 रुपये तक गिर सकता है, जो कि मुझे लगता है कि 460 से लेकर 455 तक बर्जर पेंट्स एट अ मैटर ऑफ टाइम जा सकता है। और इसका जो स्टॉप लॉस आपको रखना है, वो आपको स्टॉप लॉस रखना है अराउंड, हम कह सकते हैं कि 493 के आसपास। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे आपको 15 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है और आप वहाँ से कम 18 रुपये तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मान के चले तो 1:1 ही है, तो इस पर ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते, पर यह एक काउंटर है जो मुझे लगता है कि बेस्ट ट्रेड आपको देकर जा सकता है। PVR पे आते हैं। सो गाइस PVR पे अगर हम आते हैं तो PVR एक जो चार्ट है इसका बहुत ज़्यादा एक हम कॉम्प्लिकेटेड चार्ट पैटर्न कह सकते हैं, और इस पर बहुत बढ़िया तरीके से हमें एक सेल अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छे तरीके से मिली है, वो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मार्क PVR ने एक अपमूव दी, अपमूव देने के बाद ये एक रेंज में आया, फ्लैग एंड पुल पैटर्न आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलरली PVR ने क्या करा आप देख सकते हैं, हम आपको बात करते हैं सबसे पहले थर्सडे की ट्रेड की। थर्सडे को इसने ये ग्रीन मूव दी, ग्रीन मूव एग्जैक्ट जो अपर रेजिस्टेंस लाइन थी, ट्रेंड लाइन फ्लैग की, वहाँ पर एग्जैक्ट इसने हाई मारा, नीचे आया। और आज के ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे को, मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ गाइस, फ्राइडे को इसने एक रेड कैंडल दी, अपना हाई मारा एग्जैक्ट इस लेवल पे। आप ये जो लाइन देख सकते हैं, ये लाइन आपको दिख रही है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, लोगों को फूल करा और एग्जैक्ट वहाँ से नीचे आया, और आप देख सकते हैं इसके नीचे जाके ये बंद हुआ। और अब आप देख सकते हैं दोबारा ये चैनल के अंदर आ चुका है, और मुझे लगता है कि दोबारा ये चैनल से एक बार नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ जा सकता है, अपने लोअर चैनल की तरफ बढ़ सकता है। दूसरी बात, तब मैंने ये एक सेल अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बनाई। अब आप देख सकते हैं गाइस
कि ये जो मैंने एक अपॉर्चुनिटी बनाई है उसके हिसाब से जो टारगेट आता है वो टारगेट ये आता है, यानी कि ये जो आपको ग्रीन और रेड बॉक्स इतना बड़ा दिख रहा है ये हमारे लिए टारगेट है। अगर हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हिसाब से चले, मतलब मुझे लगता है यहाँ से ये दोबारा यहाँ तक आएगा, तो हमारे जो स्टॉप लॉस है वो हमारा स्टॉप लॉस अराउंड जो बनता है वो 40 रुपये तक का बनता है, 40-45 रुपये तक का, और जो हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट बनता है 70 रुपये तक का। तो इस तरीके से हमारे ये प्रॉफिट बनते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। दूसरा पैटर्न जो बन रहा है गाइज, वो दूसरा पैटर्न बन रहा है एक बियरिश साइफ बियरिश गाटले पैटर्न। सो एक बियरिश गाटले पैटर्न जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसका 786% रिट्रेसमेंट लेवल एग्जैक्ट वही लेवल है जो कल पीवीआर ने हाई मारा है और वहां से वो नीचे आया है। सो दो चीजें इंडिकेट कर रही, यानी कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न था और उसके नीचे दोबारा रेंज के अंदर आ गया है, वो सेल अपॉर्चुनिटी इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात, एक बियरिश गाटले पैटर्न है जो कि एक सेल इंडिकेट कर रहा है, जिसका पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 1767, और सेकेंड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1751 तक का, जो कि अभी ट्रेड कर रहे हैं 1790 के अराउंड, यानी कि यहाँ से 40 रुपये तक की गिरावट ये साइफर गाटले पैटर्न बियरिश भी दिखा सकता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे गाइस तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करते हुए चलेंगे। तो एक बेस्ट काउंटर आपके लिए मैं शॉर्ट साइड में लेकर आया हूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक आ गया है गाइस पिडेलाइट इंड। तो पिडेलाइट पे हम देखते हैं, तो पिडेलाइट पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ये येल्लो एक चैनल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पिडेलाइट ने अप मूव दी थी अराउंड, हम देखते हैं फेब्रवरी में, फेब्रवरी में हमने एक अप मूव देखी थी। ये पर्टिकुलर काउंटर से हमने देखा था एक रिवर्स आया था और पिडेलाइट नीचे आया था, फिर हमने देखा एक अप मूव आई, दोबारा यहाँ पर हम देखा एक रेजिस्टेंस इस चैनल के अंदर इसने फेस करा और हम देखे दोबारा ये नीचे आ गया। एट अ टाइम हमने देखा कि यहाँ पर ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद इस लेवल को ये सपोर्ट मान रहा था जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और उसके बाद जब दोबारा नीचे आया तो यहाँ पर भी इसने सपोर्ट का काम करा। सो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो चैनल है ये चैनल एक बार हमारे लिए हमेशा एक बाय जोन का काम करते हुए चलता है। दूसरी बात, अगर मैं RSI में आपको दिखाता हूँ तो RSI में भी आप देखिए गाइस कि ये भी एक चैनल के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम तरीके का एक बनाया है RSI में, और हम देखते हैं कि लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाईज बन रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से अपमूव आ सकती है, और एक अपमूव मुझे लगता है कि इसको एक 1320 1340 तक भी एक अपमूव लेकर जा सकती है पिडेलाइट इंडस्ट्रीज को। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत तेजी से गिर रहा है, तो हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो RSI है वो RSI भी एक शायद अपने ओवरसोल्ड सिचुएशन से एक रिवर्स कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बाय ये पिडेलाइट के अंदर बन सकता है। अब हम बढ़ते हैं गाइस अपने सेकेंड लास्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, मई से लेकर ये पर्टिकुलरली मान के चले सितंबर तक एक रेंज के अंदर कोटक बैंक काम कर रहा था। रेंज की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया, जब नीचे आया तो एग्जैक्ट अपने रेंज के रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट माना, यहाँ पर सपोर्ट माना, और अब रिवर्स कर रहा है। अब आप देखिएगा गाइस, सबसे पहले हमारी बात निकलती है कि अब ये जो काम कर रहा है वो एग्जैक्ट काम कर रहा है 1570 पे काम कर रहा है इसकी जो क्लोजिंग है, और जो ये रेंज का जो नीचे सपोर्ट है वो सपोर्ट है उसका 1555, यानी कि यहाँ से हम मान के चले 25 रुपये तक का हम एक डाउन नीचे इसका जाके एक सपोर्ट आता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हुए चलेंगे गाइस कि हमें लगता है कि यहाँ तक जा सकता है, अपने अराउंड 1545 तक जा सकता है, अपने दोबारा सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है। अब गाइस दूसरी बात, आपको क्या देख रहा है, जैसे कि मैंने आपको PVR में बताया दो तरीके के पैटर्न्स बन रहे थे, इस पर हमने देखा कि ये सपोर्ट है, और अब नेक्स्ट एक जो पैटर्न बना है वो एक बुलिश साइफर पैटर्न बना है, जो कि एग्जैक्ट जो कल का लो था वो कल का लो पे जाके इसने एक साइफर पैटर्न बनाया है। ये आप देख सकते हैं साइफर पैटर्न है, 786% रिट्रेसमेंट लेवल एग्जैक्ट इसी पे आता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से शायद हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, मुझे नहीं लगता ये दोबारा यहाँ नीचे तक ही जा सकता है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस दिया है, यानी कि आपको बाय करना है ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, जो मैंने आपको अपने अभी प्रेजेंटेशन पे भी बताया अराउंड 1574 के ऊपर निकले, जैसी आप अपनी पोजिशन को बाय करिए। जो टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो वहाँ से 35 रुपये ऊपर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो कि हमारा 6618 रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि है 1610 का लेवल। दूसरी बात, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा हमारा एग्जैक्ट इसके नीचे 5 रुपये नीचे इसका लो, वो हमारा एक स्टॉप लॉस का काम करेगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कोटक बैंक हमें एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न देकर जा सकता है। लास्ट आते हैं गाइज हम उज्जीवन पे, तो उज्जीवन पे भी एक हम कह सकते हैं एक बियरिश
साइफर पैटर्न बना है, एक बियरिश साइफर पैटर्न बना है, तो उसकी भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, फिर आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस पर भी मैंने आपको एक रेंज में बोला था, एक रेंज पे बाय करना है, वो रेंज भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या रेंज थी। एक सेकेंड गाइज, या गाइज आप देख सकते हैं एग्जैक्ट कल के दिन इसने अपने, आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं 786% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करा। अगर हम फिबोनाची की बात करें, एग्जैक्ट उसका हाई था और हाई जो था अराउंड 305 था, तो वहाँ पर इसकी क्लोजिंग है अप्रॉक्स। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइफर पैटर्न गाइज जो होता है, गाइज अगर मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बताऊं, तो हार्मोनिक पैटर्न्स कभी भी आपको परफेक्टली देखने को नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट रेशियोज एग्जैक्ट उसके साथ। सो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप इसको परफेक्टली समझने की कोशिश करें, तो इसलिए आप ज़्यादा अच्छे से तरीके से इस पर आप ट्रेड लोग नहीं ले पाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक रेंज लेकर आया हूँ गाइस, साइफर पैटर्न अराउंड 786 पे हमेशा रिवर्स करता है, पर कुछ साइफर पैटर्न्स भी होते हैं जो 886 तक भी चले जाते हैं। तो ये एक रेंज मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ, तो 5305 से लेके 3010 तक जो कि ये रेंज है, इस रेंज में आपको कभी भी मिलता है एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करिए, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको स्टॉप लॉस अराउंड 12 रुपये होगा, 12 रुपये भी ये होगा, मुझे लगता है और भी कम हो जाएगा जब आप इस रेंज पे बाय करेंगे, तो अराउंड आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये या 11 रुपये हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस अराउंड 7-8 रुपये होगा सिर्फ, और जो आपका टारगेट होगा वो 20-22 रुपये होगा। तो यानी कि हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपको अच्छा खासा एक रेशियो मिल सकता है और बहुत बढ़िया तरीके से आप इस पर टारगेट जाके अचीव कर सकते हैं। और जो मेरे टारगेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, टारगेट्स फाइंड करने के लिए हमें दोबारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना पड़ता है, वो मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। वो फिबोनाची आता है अराउंड इस लेवल पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम एक पर्टिकुलरली सिर्फ 305 से ही गिरावट देखते हैं जो कि 786 है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 295, सेकंड टारगेट होगा 289 और थर्ड टारगेट होगा हमारा 279। तो यहाँ तक जाने की इसकी एक डाउनसाइड है जो कि एक साइफर पैटर्न बताता है कि 618% रिट्रेसमेंट लेवल तक तो ये जा सकता है। सो इसी के साथ मैंने आपको गाइस 5 स्टॉक्स बता दिए, पर्टिकुलरली अच्छे चार्ट इंटरेस्ट के साथ आपको सिखाया गया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो गाइस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इसी बेसिस पे हम अपने क्लाइंट्स को भी स्टॉक्स प्रोवाइड कराते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को सिखाते हैं। गाइस एक बात और, मैं एक पर्टिकुलरली चार्ट आपके लिए लेकर आना चाहता हूँ जो कि झील है, झील पे मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये लेवल था गाइस, ये लेवल जिस तारीख को मैंने आपको यहाँ पर एक बाय की सलाह दी थी, ये जो क्लोजिंग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बाय की सलाह आप लोगों को दी थी, और मैंने आपको बोला था कि ये अपने 78 से 81%, ये पूरा चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैंने बोला था कि ये 348-350 तक जा सकता है क्योंकि इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। और आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो मैंने आपको दिखाया था कि 45,000 रुपीज़ पर लॉट अर्न करा था हम लोगों ने, और 45,000 रुपये हमने सिर्फ एक अपमूव से अर्न कर लिया था ये जी एंटरटेनमेंट से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो मैंने आपके लिए एक पैटर्न बनाया था, ये पैटर्न हमारे लिए कामयाब हुआ और एग्जैक्ट वहाँ तक गया था। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हुए चलेंगे गाइज, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये जो सीट्स हैं वो गाइज 20 सीट्स भी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत जल्दी बुक हो जाती है, तो देरी मत करिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन पे है और साइट में हमारा मेल आईडी भी है, जाके हमें कॉन्टैक्ट करिए फास्टली और हम आपका रिप्लाई करेंगे, जो भी क्वेरीज होंगी हम आपकी फुलफ़िल करेंगे। साइड बाय साइड टेलीग्राम चैनल पे भी मैं वो अपना डिटेल्स डाल दूंगा कि क्या हमारे चार्जेस है, क्या कॉल्स हम प्रोवाइड कराते हैं, और बेस्ट तरीके से हम आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको कोई वरी नहीं होगी। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक करिए गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी कोई क्वेरीज हो इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, और कोई आप नया टॉपिक हमसे बनवाना चाहते हैं तो उससे भी हम आपकी बात सुनेंगे और बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।